हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मूंग की दाल के लड्डू कैसे बनाए जाते हैं उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, ये लड्डू बनाने में बहुत ही इजी है, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और बहुत हेल्दी भी होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मूंग की दाल के लड्डू बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम धुली हुई मूंग की दाल ली है, जो कि मैंने 2 घंटे पहले ही पानी में डिप कर दी थी। अब मैंने उसको पानी से निकाल लिया है और मैं अब इसे मिक्सी में पीस लूँगी। 200 ग्राम घी लिया है जिससे कि मैं दाल को भूनूँगी। 250 ग्राम मावा लिया है, 50 ग्राम खसखस है, ये काजू के पीसेस को मैंने बारीक कट कर लिया है और गार्निशिंग के लिए बादाम लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने दाल को पीस लिया है मिक्सी में और अब मैं कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर इस खसखस को भी गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। मैंने काजू, बादाम और खसखस को गोल्डन ब्राउन भून लिया है और मावे को भी भून लिया है। अब मैं इसमें कढ़ाई में इस दाल को डालकर भून लूँगी अच्छे से। अब मैं इस दाल को अच्छे से 15 से 20 मिनट भूनूंगी, जब तक कि ये दाल कढ़ाई में चिपकना नहीं छोड़ देती। अगर आपके पास नॉन स्टिक की कढ़ाई हो तो आप उसमें दाल को भूनिए तो आपका घी भी कम लगेगा और दाल चिपकेगी भी नहीं। देखिए, ये जो दाल है इसने चिपकना बंद कर दिया है। अब मैं इसे 10 मिनट और भूनूंगी। ये देखिए, जो दाल है ये भुन चुकी है और अब ये कढ़ाई में कहीं चिपक भी नहीं रही है। मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे भुना है। इसका कलर जो है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन हुआ है और इसमें बहुत ही प्यारी घी की खुशबू आ रही है और दाल ने, आप देख सकते हो, तो घी भी छोड़ दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर ठंडा करूँगी, उसके बाद में सारे ड्राई फ्रूट्स जो कि मैंने पहले ही घी में भून लिए थे इसमें मिला दूँगी। मैं ये खसखस ऐसे ही साबुत डाल रही हूँ दाल में। आप चाहें तो खसखस को बारीक पीस भी सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स तो दाल में मिला दिए हैं और अब मैं मावा भी दाल में मिला दूँगी। अब मैं ये मावा भी अच्छे से दाल में मिला दूँगी, क्योंकि अभी दाल थोड़ी गर्म है तो ये मावा अच्छे से मिल जाएगा। मैंने मावा जो है वो इस दाल में मिला दिया है और अब ये दाल बिल्कुल हल्की सी ही गर्म है। मैं इसमें ये 2 कटोरी भूरा है ये भी मिला रही हूँ, जिससे कि फ्रेंड्स अब ये लड्डू मैं भूरे को मिलाने के बाद बना लूँगी। मेरी मूंग की दाल के लड्डू जो है वो रेडी हो चुके हैं। अगर आपको मूंग की दाल के लड्डू की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।